अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान, खसवा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का खसवा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। बीआरएस पार्टी की बेहतरीन और कामयाब नुमाइंदगी और इनकी जानिब से किए जाने वाले बेहतरीन व फलाही इस्कीमात से मुतासिर होते हुए कई सारे बेहतरीन कायदीन जो कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी लोग हर आए दिन भारी अक्सरियत से बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। सुलेमान नगर डिवीज़न में भी काफ़ी ज़्यादा ख्वातीन ने, तकरीबन 100 से ज़ायद ख्वातीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और जुमला 500 मेंबरान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिनमें 100 से ज़ायद ख़वातीन शामिल थी। इस मौके पर ख़वातीन ने मीडिया से ख़िताब करते हुए भारी अक्सरियत से बीआरएस पार्टी को जीत दिलवाने की इन लोगों ने उम्मीद जाहिर की और बताया कि बीआरएस पार्टी के सदर व तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए कई सारे बेहतरीन फलाही और राहती स्कीमात नाफिस करते हुए आवाम को राहत पहुंचाई जा रही है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात खसवा 7 न्यूज़ चैनल के साथ। जब से पूरी पार्टी कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, एमआईएम पार्टी से हो, सब पार्टी में मिलने के वास्ते पूरे नौजवान बच्चे, हमारे बीआरएस पार्टी बहुत अच्छा पार्टी है। हम लोग बहुत अच्छा यहाँ तेलंगाना आने के बाद बहुत अच्छा अपन भाई बंद के सर के बिजनेस हो, कुछ हमारे कोई तकलीफ नहीं है बोल के बहुत जने खुशी, कर्नाटक के भाई यहाँ भी बोल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारे आज हमारे श्री राम रेड्डी भाई, दत्तू भाई लोग पूरा कम से कम 500-600 आदमी को ला के पार्टी में मिला है, बहुत खुशी की बात है। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ पब्लिक को भी, जब तेलंगाना नहीं आया सब कहता था, तेलंगाना आने के बाद कैसे हुआ? तेलंगाना आने के बाद हमने मुख्यमंत्री साहब ने पब्लिक का सेवा करते, पब्लिक को डेवलप करना, बिजनेस में डेवलप करना, हर उसमें डेवलप करना बोल के हमने मुख्यमंत्री साहब बोले, वही हम लोग मेरे भी 3 बार जीता है पब्लिक, 3 बार भी मैं पब्लिक में रह के डेवलपमेंट में करके आगे हूँ। उस वजह से मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ पब्लिक को, 30 तारीख के दिन कार को निशान को वोट देके अच्छी मेजॉरिटी से जिताना बोल के बोल रहा हूँ। वो लोग भी वादा करे, पूरे नौजवान बच्चे आप देखे, आप नौजवान बच्चे पूरे एक ही बोल रहे, हम बीआरएस पार्टी को अच्छा जिता के ना हम डेवलप कर लेंगे, हमारे क्या क्या तकलीफ है, हमारे भी कुछ गवर्नमेंट आने के बाद गवर्नमेंट से कुछ स्कीम आए तो हमारे को दिला बोल के बहुत खुशी की बात है। गवर्नमेंट आने के बाद जो भी स्कीम सीएम साहब ने लगाए वो पूरे स्कीम गरीबों के लिए हम साथ करके दिलाएंगे, डबल बेडरूम वो भी हम दिलाने का कोशिश करेंगे। अब तो इलेक्शन को हम नहीं कर सकते, इलेक्शन के बाद जो भी आएंगे तो इलेक्शन के बाद करेंगे। पूरे नौजवान बच्चे जो पार्टी में मिले, अब जैसा मिले 30 तारीख तक वही काम करके पार्टी को अच्छा नाम लाना, आप लोग हमें अच्छा नाम लेके एक अच्छी मेजॉरिटी से जिताना बोल के बोल, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज ज्वाइन हुई हूँ, और मेरा नाम सलमा है, और टीआरएस पार्टी में मैं आज ज्वाइन हुई हूँ। और जो भी स्कीमा जो प्रकाश गढ़ साहब बोले हैं कि हम पूरे करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग वोट बस्ती के जो जो लोगों को वोट डालने का है सबको बोलकर जिताओ बोले, हम पूरों को बोलकर हम इंशाल्लाह ये पार्टी को जिताएंगे। और प्रकाश साहब बोले हैं कि हमको हर स्कीम का फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और आपको मैं साथ दूंगा बोले हैं। हम ज़रूर हमारे बस्ती के जो जो है आवाम, जो भी हमारे माँ बहनें, उन सबको बोलकर इंशाल्लाह प्रकाश गढ़ साहब को जिताएंगे और ज़रूर जिताएंगे। और स्कीम के हिसाब से हमको प्रकाश साहब भी हमको साथ देना, और जो जो स्कीम है जैसा कि शादी मुबारक, और जैसा कि लड़का हुआ तो स्कीम में पैसा मिलता है, और जैसा कि जीतने के बाद 400 में गैस होती बोले हैं, और बाद में एक तोला सोना और 1 लाख रुपए शादी मुबारक में मिलेंगे बोले, ये सब स्कीम ज़रूर जैसा बोले हैं वो निभाना, और प्रकाश गौड़ के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जब उन्होंने हमको साथ देंगे हर स्कीम जो जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो पूरे हमको फ़ायदा देना, तो हम भी हमारे आवाम पूरे मिलके हम ये जिताने का वादा करते हैं, और गौस भाई का साथ देते हैं, गौस भाई हमारा साथ देना ज़रूर।